ये यहाँ पे लोग बैठते थे, वहां नीचे उस वाले उस पे आरती होती थी। ये देखिए, अब बनाई जाएगी चाय। आप लोग बोलते हैं ना गंगा जल से क्या करते हो, तो जिस दिन हम लेट जाते हैं ना, जैसे मैं आज लेट हो गई, 9 बजने वाले हैं, हमारा यहाँ पे पानी चला जाता है, 8 से 9 का टाइम होता है, फिर वो गंगा जल यूज़ हो। वैसे तो ज़्यादातर मैं गंगा जल से ही लगाती हूँ। कल मैंने चाय बनाई, मैंने दिया को दी, कह रही चीनी डाली नहीं। मैंने कहा डाली है, 1 चम्मच डाली है, 2 चम्मच सॉरी। तो कहती 2 चम्मच भी कोई डालने की वो होती है, पापा की बेटी है, ज़्यादा पीती है हमेशा चाय मतलब चीनी ज़्यादा पीती है, वो भी 2 चम्मच से कुछ नहीं होता था उनका। पीते कम थे पर जब भी पीते थे, मतलब बहुत कम पीते थे, हफ्ते में 1-2 बार पीते थे, तो ज़्यादा पीते थे चीनी। चाय का भी एक अपना अलग ही मज़ा है। आजकल ये पेड़, ये फूल जो है ना, बहुत खुशबू देते हैं चारों तरफ से हमारी। और एक तो हमारे बिल्कुल ही उसके सामने ही है, मतलब फ्लैट के बिल्कुल ही बालकनी के बिल्कुल बाहर है, ऐसी खुशबू आती रहती है ना पूरे चारों तरफ से। अब जल देखिए दूर से ही ना हरा नजर आ रहा है, कितना हरा हो चुका है। छोले भटूरे खाने हैं आपको? नहीं खाने? बाबा जी कह रहे हैं छोले भटूरे खाने के लिए बोल रहे हैं। कर लिया ब्रेकफास्ट? आज कैसे बना दूँ? छोले भटूरे बनने में टाइम लगता है, कल बनाऊंगी। ठीक है, हमारे तो बाबा जी भी ऐसे मिले हैं कि हम छोले भटूरे नहीं बना रहे, मतलब तो बाबा जी याद दिला देते छोले भटूरे बना ले, वो छोले भटूरे खाने के लिए बोल रहा है, बाबा जी का मन कर रहा है, मुझे पता है। आज जल एकदम क्लियर है, उस दिन लाइव में दिखाया था मैंने, तब भी उससे भी ज़्यादा, मतलब बिल्कुल ग्रीन हो चुका है, ग्रीन जिसको कहते हैं ना एकदम। ये हमें जल जब वो 7 फरवरी को मैंने जब शर्मा वो दिखाया था ना ऊपर तपोवन में ग्लेशियर वो हुआ था, उसके बाद अब हुआ है ये साफ जल, फिर बारिश का सीजन आ गया था, फिर आज हुआ है आके ये। भैया राफ्टिंग करा दो फ्री में, फ्री में चलो, प्रमोशन हो जाएगी तुम्हारी। गिराएंगे चलिए। कितने की? अरे फ्री में बोल दिया। फ्री में पक्का? मैं अकेली नहीं हूँ। हैं, अच्छा उत्तराखंडी है, ठीक है, तो मैं भी पक्की दिल्ली से हूँ। हाँ करूँगी पक्का। अब यहाँ आई हूँ तो गोते मारने का मन कर गया है, डोली साथ में है ना इसलिए। ये दीदी बोलती थी शर्मा जी के सामने, और फिर इसको मैंने 10 रुपए दिए थे, इसको याद है, फिर आ गई है। इसको पता है मैं फूल नहीं लेते, हम फूल नहीं चढ़ाते गंगा जी में, जबरदस्ती पैसे नहीं है मेरे पास, नहीं दूँ फूल ले लूँ, नहीं बेटा आपको पता है ना हम पैसे फूल नहीं चढ़ाते, है ना, हम तो यहीं रहते हैं। आज तो इन राफ्ट ने दुखी कर दिया है, एक तो मन लल जा रहे हैं। मैं भी फ्री करके मानूंगी। ये दिवाली के टाइम पे ये क्या गिरा है, ये देखो क्या बोल रहे हैं, अब इन्होंने कपड़ा गिरा दिया माँ गंगा में। ये दिवाली के टाइम पे होली खेल के आ रहे हैं पता नहीं कहाँ से, सीटी मार रहा है, सीटी मार के हटवा रहा है। यू नहीं कह रहा आंटी हटा लो, हैं जा रहे हो आए हो जा रहे करके आ गए इतनी जल्दी, बारिश शुरू हो गई है। वैसे तो मैं गीली पड़ी हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मेरा कह
कैमरा खराब हो जाएगा, माइक भी। आप चंडीगढ़ से आए हैं? चंडीगढ़ से। ये संदीप भाई साहब है, संजीव, संजीव, संजीव कुमार, ये सुनीता जी हैं और ये ईवा। आप चंडीगढ़ से आए हैं? चंडीगढ़ से आए। और देखो कितनी दूर रुके हैं। शुभकामनाएं। थैंक यू जी, स्पेशली आपको मिलने आए। हाँ, बहुत दूर रुके हैं और इस टाइम ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा, बारिश भी आ रही है, बारिश में भीगते हुए आए ना। हाँ, थैंक यू, आपके चैनल के लिए बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कॉमेंट एंड शेयर करें। शेयर, कॉमेंट एंड शेयर। Okay, और ये दिया के लिए पिज्जा भी लेके आए हैं, इसको तो समझ में नहीं आता है। ये तो मरी स्वीट है। मतलब सुनीता जी ने सुबह सुबह पार्टी कर दी। ये देखिए पिज्जा, ये ढोकला, ये इसका फेवरेट ढोकला। और ये बताओ, हम वॉक कर रहे हैं और ये क्या लेके आई है, रस माधुरी या पता नहीं क्या है ये, भगवान कसम। आप इनको इंस्पायर करते हैं लोग, और आपको इंस्पायर। ये देखो ये कितनी मिठाई लेके आई है। मतलब दो दिन से वॉक करनी शुरू करी है, क्या करो, अभी इतना मीठे का बताओ आप। आप ढोकला बहुत पसंद है इसको, ढोकला पिज्जा क्या पसंद नहीं है। अरे आप बोलो, मैं क्या बोल रही हूं। वो एक अमरजीत भैया है, उन्होंने बोला गोमुख वाला वीडियो, गोमुख वाला जो फाइनली मैं गोमुख में पहुंच गई थी, डिसलाइक इसलिए किया कि दिया मेरे पास बैठी हुई कंसर्न नहीं कर रही थी, वो अपने फोन में लगी हुई थी। मैंने बोला भैया दिया तो बच्ची है, आप देखो आपने गोमुख। मैं क्या करती जब मैं गई नहीं थी वहां पर? नहीं नहीं, यहाँ पे बात कर रही थी ना जब, तो मैंने क्या करती, आप तो अपना एक्सपीरियंस बता रही थी, तो मैं उसमें क्या करती फिर। हाँ, तो फिर बीच में वो कर रही थी ना, मतलब फोन में लगी हुई थी, इसीलिए अंकल ने ये बोला कि मैंने डिसलाइक वीडियो किया। मैंने कहा भैया गोमुख वाला वीडियो दिया के ऊपर डिसलाइक कर दिया कि दिया वो नहीं दे रही। मैंने कहा वो तो बच्ची है, आप बचपना क्यों कर रहे हो। मैं वैसे भी नहीं गई थी तो मैं क्या बोलती, ना मुझे एक्सपीरियंस वो था कुछ था, तो मैं क्या करती। इस मैडम की 4 दिन की छुट्टी थी पहले ही, और अब अलर्ट आ गया। यहाँ पे अलर्ट बहुत आता है, अलर्ट आते ही स्कूल वाले छुट्टी कर देते हैं। और ये अपनी बहन से नहीं आ रही, और ये देखो ये उससे चुगली कर रही है। क्या मम्मी, क्या चुगली कर रही हूँ मैं? हाँ, गपाष्टिक, उसकी उसकी फ्लाइट बुक हो गई है, वो जा रही है। कवारी इधर अपनी फोर शक्ल दिखा दे, देखो उसने कैमरा वो कर दिया, उसने हाथ रखा उस पे। ए, अपनी शक्ल तो दिखा दे, सब लोग कह रहे शिवांगी गई क्या। सो के उठी हूँ मैं अभी। चलो जाओ जाओ, मैं इसको बोलती हूँ कैमरा ले जा, कैमरा नहीं लेके जाती है, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बच्चे ना ये खेल रहे हैं पकड़म पकड़ाई, क्या पता नहीं क्या भूल गई है, गैलरी खेल रहे हैं, गैलरी। ये सारे पुराने गेम खेलते हैं। और दिया को आवाज़ आई थी तो फटाफट खाना खाने के बाद भाग गई। कल से ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और 4 दिन का अलर्ट है। इतने काम करने थे मार्केट के, नहीं कर पा रहे हैं। और ए मामी जी आई है हमारी सैदला जाप से। मम्मी मामी जी खुद ही बता देंगे, लो बताओ क्या? मामी जी का नाम सुशीला मामी जी है, हमारी फेवरेट मामी जी है। मामी जी की बोलती बंद हो गई कैमरे के सामने। भाई साक्षी हमारी बहुत प्यारी है, आज इनसे मिलने के लिए आए थे, मेरा दिल कर रहा था कि साक्षी से मिल के जाए, इनका व्यवहार, इनका बहुत अच्छा व्यवहार है, इसलिए नेचर में बहुत अच्छी है। अब इतना तो मैं नहीं बोल, मेरी शादी में गई थी मामी जी, अरे इनकी शादी में बारात में गई थी, बारात में गई थी। ये मामी जी की बहू है, क्या नाम है? मेरा नाम रेखा है। रेखा बोले की क्या, अरे उनकी बड़ी बेटी, क्या मास्क लगा के क्यों बैठी बेटा? मेरा नाम है चारू, मेरा भी एक चैनल है जो मेरे सिंगिंग चैनल है, मेरे चैनल को ये प्रमोट कर रही है अपने चैनल को। अर्पिता, अच्छा ये गोलू मोलू है, गोलू मोलू। ये छोटा सा नहीं, पूरा क्लियर ही आ रहा है यहाँ पे, रेनबो पूरा, वाओ। मैंने भी स्टॉल ले लिया है सुबह सुबह, और कल वो मॉर्निंग वॉक करके आई, उसके बाद वो मिलने आए थे वो भी, वो फिर रेनबो, कल सारे काम हुए पर बाहर नहीं निकल पाए हम। आज अलर्ट था, उसके बाद यहाँ बारिश बंद हो गई है पर पीछे पक्का हो रही होगी, यहाँ धूप निकल आई। आज मार्केट जाना है,
जीरा नमक मिर्च सब खत्म हो रखा है सामान। मुझे ये यहाँ पे पूरा शीशा बंद करवाना पड़ेगा। ये देखो बिल्ली का बच्चा आया था और पूरा ये गंदा वो कर गया उसने ना। मैं सुबह उठ के इधर आई यहाँ पे, वो पता किस लिए आ रहा है कि उसने चूहा मारा था एक, उसकी गर्दन पड़ी हुई थी यहाँ पे पूरा शिकार करके। और मैंने फिर वो उससे उठा के वाइपर से खींची, वो उसी को ढूंढता हुआ घूम रहा है कि वो गर्दन गई का। ये अरुण भैया हैं और ये अंशु भैया हैं, ये आए हैं अम्बाला से हरियाणा। और मैं इसलिए दिखा रही हूँ, उनकी वाइफ को यकीन हो जाएगा वो ये मिलने आए हैं। बहुत बड़ी फैन है उनकी और मैं भी, मतलब बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं। और बच्चे भी हमारे साथ बहुत जुड़ रहे हैं तो वो देख के अच्छा लगता है। थैंक यू भैया। ये हमारे आंटी की जगह नए काम करने के लिए आई है और इसको पता ही नहीं कि हमारा चैनल है। क्या नाम है? रेशम। रेशम, मेरे को इसका नाम नहीं पता। आंटी के बेटे की शादी है, आंटी इनको लगा के गई है रेशम को। और इसके पास बेचारी के पास फोन नहीं है, नहीं तो मैं सब्सक्राइब करवा देती और घर में भी जाके करवाती। घर जाके सब्सक्राइब करवाना कि मेरी भाभी का चैनल है, ठीक है? ये ना मेरी फ्रेंड ऊपर रेनू ने भेजा मलाई कोफ्ता और मैं मार्केट जा रही हूँ सामान खरीदने, कह रही है कुछ ले आना। कह रही नॉर्मल कोफ्ता हुआ तो इसको पता नहीं, ये देखो कितनी चटोरी है। और वो मैं तो कुछ दाल चावल बनाती, उसने भेज दिया मलाई कोफ्ता। हमारे पड़ोसी भी हैं क्योंकि हम भी बेचते रहते हैं उनको। ये देखो टेस्ट करके देखा जा रहा है पहले, तब भी कुछ लेके आना। थप्पड़ मारूंगी, घर का खाना खा लिया कर। मुझे वो भैया बता के गए, मैं आज सुबह घूमने नहीं गई थी, मैंने घर में एक्सरसाइज की। एक तो चूहे ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, ऊपर से वो आई थी वो लेडी, वो मेरा ब्रेसलेट मैंने मालिश करवाई थी, मैंने बताई नहीं मसाज कराई, वो मेरा ब्रेसलेट इसके पीछे मतलब गिर गया था। तो पूरे दिन भागा दौड़ी में, मतलब सारा हटाया, एक तरीके से सफाई हो गई सारी बेड की। अब देख रही हूँ कि मेरे को बता रहे गंगा जी का इतना रौद्र रूप जैसे पहले हुआ था ना एक बार, कि उसी लेवल पर आ गई है गंगा जी। क्या है ये? वही कुत्ता है, ये हमारे यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। ये वो जो ऊपर चढ़ा रहता था ना सामने, है ना, बहुत शरारती है तू। मेरे को अभी मार्केट भी जाना है ना, तो मैं आपको वहाँ का भी दिखा दूँगी सारा का सारा। ये हम त्रिवेणी घाट का भी दिखाएंगे कि त्रिवेणी घाट में कितना आ जाता है जलना जब इतना आगे बढ़ता है। तो मैं तो गंगा जी दिखाने आई थी, उससे पहले भैया ने कर मुझे आवाज लगाई थी। आपका नाम? मेरा नाम मितेश है, मैं मुंबई से हूँ। अच्छा, और मैं स्पेशली तो नहीं बोलूंगा बट क्रेडिट गोज टू साक्षी जी कि मैं यहाँ पे ऋषिकेश आया हूँ और सब देख रहा हूँ और यहाँ पे गीता भवन भी देख रहा हूँ। अच्छा साक्षी जी यहाँ पे आई थी, अच्छा यहाँ पे फ्रीडम कैफे, हाँ जी साक्षी शर्मा जी के साथ यहाँ पे आई थी। तो हाँ जी हम आपको 1.5 साल से फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एब्सोल्युटली, जैसे जैसे रहते हैं वैसे ही दिखाते हैं। एब्सोल्युटली। वो कह रही कि आपकी जो लाइफ थी ना कि आईआईटी, मतलब वो मेरे हस्बैंड कॉर्पोरेट लाइफ में थे, वो छोड़ के गए सब कुछ, मतलब छोड़ के एकदम से आगे। कह रही हम लोग सोच ही नहीं पाते हैं, कह रही उसके लिए हिम्मत चाहिए जो शर्मा जी ने दिखा दिया था। मैं आपको मिलके यही पूछने वाली थी कि वो क्या फॉर्मूला था जो आपने यूज किया। एक्चुअली उनका ना, उनको ये था, देखो मेरी बेटी ने एक चीज, मतलब उसमें जैसे कैनेडा भेजने का पर्पज क्या था, उसने बच्ची है ना तो उसने गलत बोल दिया कि क्राइम है, क्राइम नहीं की वजह से नहीं भेजा उन्होंने भेजा कि हम इतना पैसा कमाते हैं, अपने बच्चों को हम टैक्स देते हैं तो हमें अच्छे हवा पानी की ज़रूरत है, है ना। अगर हम मतलब हमने अपने टाइम में, आपने अपने टाइम में हवा पानी अच्छा ले लिया है, हमने अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, है ना, आगे आने वाले उसमें पोल्यूशन इतना होता है, तो उन्होंने ये सोच के भेजा था कम से कम वहाँ पोल्यूशन तो नहीं है। और हम तो यही चाहते हैं ना कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन जो बच्चों का है वो हमसे एक लेवल ऊपर जाए। थैंक यू सो मच। आपके तू ही देखा, और ये तो नहीं है, इनका तो प्लान नहीं था, मैंने इनको खींच बोला कि चलो ऋषिकेश जाते हैं, वो भी मैसेज करेगी, मैंने बोला शायद मिल जाए तो ऋषिकेश कुछ अलग तरीके से देखेंगे। अच्छा ये मुझ खिला रहे हो? ओहो ये देखिए रौद्र रूप एक बार ऊपर तक आ गया था ये रात को ना, अब ये हल्का सा नीचे उतरा है। ये देखो कितनी सीढ़ी रह गई है ना। मतलब 2 दिन पहले तक अभी ये इतना जल था कि एकदम क्लियर गंगा जल हो गया था, मैंने बताया भी था, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा हो गया।
तो यहाँ बारिश बंद हो गई है। अगर यहाँ बारिश बंद नहीं होती तो सोचिए क्या हाल होता। ये दो दिन की बारिश का हाल है फिलहाल, और पीछे बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड भी हुआ है, गाड़ियों पे पत्थर भी गिरे हैं। इस यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर खुद मना कर रहे हैं कि ऐसे में आप यात्रा ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे साथ अपर्णा जी आई हुई हैं, वो केदारनाथ जी की यात्रा के लिए आई थी, लेकिन जो टैक्सी वाले हैं उन्होंने खुद ही मना कर दिया उनको कि आप ऋषिकेश रहिए, सेफ रहेगा। देखिए जान है तो जहान है, यात्रा फिर कर लेंगे। क्या हो रहा है ये? मेरे घर में रेशम आ रही है, आज मैं पक्के 10-15 सब्सक्राइबर बढ़वा के आई हूँ, 50-60 मेरे को पता है। 10-15 50 हाँ 50-60 कम से कम 100 जी जान बस और बढ़ा दो। इसने दूसरे को दिखाया, मुझे पता ही नहीं था, मैं लिख के दे रही हूँ इसको नाम। मेरे को मार्केट जाना है, गंगा जी का इतना जबरदस्त वो चल रहा है, मैं सारे वीडियो पुराने जो है ना मैं रोक दूंगी, वो वीडियो जो पता है एक दो बैकअप लेके चलने पड़ते हैं। क्या पता क्या करते हैं लोग, ये लाल बटन है ना, लाल को और बार बार एक बार करना है बस, एक ही ऐसे बस बस ठीक है। और ये जो बेल बेल वाला जो है ना ये ऑल जो सारे पे आता है, मतलब सारी बस ये दबाना है। हर बार जब वीडियो आएगी जैसे मैंने वो कर दिया, बस इसको दबाना है अंगूठे को और इससे शेयर करना है, बस ये काम करना है। ये सब्सक्राइब बार बार नहीं करना, वो एक बार हो चुका है। कुछ कुछ लोग हर वीडियो में सब्सक्राइब का बटन दबाते तो हम रोज सब्सक्राइब करते हैं, रोज मतलब ऐसे रोज ना करें। ये मंगवा रही है मेरे से पैटी से, भाग गई ऊपर। और वो भैया मिले थे ना, वो कह रहे मैं भाभी जी आपसे शाम को मिलना चाहता था और शाम को मैं दिया के लिए कुछ लेके आना चाहता था केक, और कह रहे आप अभी मिल गई। और ये देखो इसके ये पता नहीं भगवान कसम अपने पापा पे गई है बिल्कुल। खाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो क्या होगी? लालची लड़की। ये इधर ना सर शीशम झाड़ी है, मैं आज यहीं से जाके ना अभी मार्केट में ना जाके यहाँ से आपको रास्ता वो गंगा जी का लेवल दिखा देती हूँ। ये रामानंद घाट है और देखिए ये देखिए क्योंकि ये डाउन में है ना, हमारे वहाँ तो फिर भी बहुत ऊंचाई है। ये देखिए आप जहाँ तक देख सकते हैं, और आगे त्रिवेणी घाट है वहाँ भी लेके जाऊँगी, तो क्या हालत हुई है ये देखिए। पूरा आप ये लेवल देख लीजिए गंगा जी का। आप सही बोल रहे हैं कि घाट डूब जाते हैं पूरे, के गंगा जी में के लेवल से घाट डूबे, रौद्र रूप और ये सब सब कुछ डूब गया है इधर की साइड ना। रात को ये यहाँ तक आ गया था पानी, अच्छी खासी ना ये देखो रेती देखो कितनी जम गई है, मतलब पैर से ना हो रहा है। ये देखिए बहुत मोटी लेयर आ गई है एक ही बार में। ये देखिए तो ये आगे का नज़ारा देखिए, सामने एकदम शानदार ऐसे लग रहा है, बादल जैसे किसी ने सीनरी बना रखी हो, और नीचे माँ गंगा। एक मिनट में ना जल आ गया था, मैं दिखा रही थी कि कैसा आ गया, वापस अपने रूप में आ गई। सच में बहुत जल आया होगा ये देखो, मतलब चला नहीं जा रहा है, इतनी रेती आ गई है यहाँ पे बहुत मोटी। ये देखिए आप यहाँ पे आरती होती थी त्रिवेणी घाट की, और देखिए मैं आगे नहीं जा रही हूँ, भाई साहब ने मुझे पहचान लिया था, पुलिस वाले थे मना कर रहे थे, फिर कह रहे मैडम अरे आपको कोई बात नहीं, आप समझदार हो जा सकती हो, पहचान लिया उन्होंने तो जाने दिया, क्योंकि ना बहुत से लोग ऐसे रिस्क ले जाते हैं। ये देखिए ये देखिए ये यहाँ पे लोग बैठते थे, वहाँ नीचे उस वाले उस पे आरती होती थी। ये देखिए
मेरी ना और क्यूरियोसिटी बढ़ गई है थोड़ी सी, आगे ना ऊपर से दिखाऊंगी 72 सीढ़ी के वहां से के देखिए क्या हाल है। ये है देसी दाल, दाल ले लिया, छोले, मेरे पास गेस्ट बहुत आने वाले हैं और मैं ऐसी हूँ, अपनी चाबी इसी में लगी छोड़ूंगी। शर्मा जी को डांटती थी ये देखो, ये पता नहीं कौन है, पागल है, शर्मा जी कहते थे पागल हम है, जाने नहीं देंगे सर क्योंकि बैरिकेडिंग की हुई है। बोलूंगी जरा, मैं लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, देखते हैं, नहीं जाने दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि यहीं से बैरिकेडिंग दिखा दो, वो अपने आप समझ जाएंगे, जबकि बहुत दूर है यहाँ से। खतरनाक है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप ये देखिए, ये 72 सीढ़ी हैं और आप ये देखिए जल का लेवल देखिए। ये देखिए, ये हमने कितनी बार दिखाया होगा, 72 सीढ़ियाँ, ये मंदिर है, ये देखिए, मैं आगे नहीं जा रही हूँ। मैंने इसकी वॉइस आपको सुनवा रही हूँ गंगा जी की, मैं जरा भी माइक उतारने वाली हूँ, बस आप सामने का नज़ारा देखिए। मैं इतने टाइम लैप ले रही थी ना, तो ये देखिए लहरें देखिए, आप आवाज़ सुनवा रही हूँ मैं, मेरी आवाज़ बहुत कम आएगी क्योंकि माइक हटा दिया है। और ये देखिए, मैंने ना यहाँ कैमरा रखने जा रही थी, इतने में लहरें आई, तेरी ऐसी की तैसी। यही तो है ग्लोबल वार्मिंग, और किसको कहेंगे, तभी तो कहते हैं पेड़ लगाओ, इतने पहाड़ों पे इतनी ब्लास्टिंग हो रही है, रोड बनाए जा रहे हैं, सब कुछ। मैंने कहा ना, हमें रोड अच्छे चाहिए मक्खन मलाई जैसे, लेकिन उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। ये बिन मौसम के हो रहा है, ये जो कुछ हो रहा है होती है। मैंने दिखाया था आपको गंगोत्री में कितना बुरा हाल था, अगर हम अब भी नहीं समझे तो फिर मैं घर जाती हूँ अपनी कटोरी के लिए, पैटी भी लेके जानी है, पैटी इतनी मेरे को। बस यही दिखाना था आपको, दिखा दिया, क्योंकि परमार्थ निकेतन और वानप्रस्थ आश्रम मैंने पहले दिखाए थे, ये वाली साइड नहीं दिखा पाई थी। मैं ना, मेरी फ्रेंड का जब बर्थडे था ना रितु का, तो मैं ना बताया तो प्रीति ने कोई और जगह थी, मैं गलती से यहाँ से ले गई थी, और आप मानोगे नहीं, वो हैरान रह गए, ये डिस्कवर अनजाने में हुई थी, ये वाली गढ़वाल बेकरी है ही, और इसमें 100% एगलेस वो है मिलता है, कोई और बहुत टेस्टी केक था, वो भी खा के ना हैरान रह गए, कह रहे साक्षी कैसे ले आई, इतना टेस्टी केक था ना, क्योंकि मैंने इसकी पेस्ट्री खा के देखी थी। अभी मैंने दिखाया था कुछ दिन पहले ही कि भाई ये यहाँ पे पत्थर आ गए हैं, वो बाद में आएगा वीडियो। ये वीडियो मैं पहले डाल रही हूँ, अब क्या करें, करंट सिचुएशन जल्दी डालनी पड़ती है ना। वानप्रस्थ का तो आप हाल देख ही रहे हैं, एज यूजुअल पहले जैसी हो गई है रेती, और कितनी आ गई है, मतलब एक दिन में ही, कल सुबह नहीं था ये। परमार्थ की, शंकर जी की मूर्ति ना दिखाएं, इसके बिना तो वीडियो पूरा हो ही नहीं सकता है।
ये जो मैं लाइव आई थी ना उससे भी ज़्यादा ज़्यादा है, उसमें खैर यहाँ तक आ गया था, इसमें पता नहीं हमें ऐसा क्यों हो रहा है, इतना नहीं जा रहा था लाइव में तो पूरा ऊपर तक आ गया था यहाँ तक। मैं सबको क्लियर करा रही हूँ, वो जानकी सेतु है नया बना है, जानकी सेतु नया बना अच्छा, है वो सामने राम झूला वो है, राम झूला पीछे है, वो जानकी सेतु नया बना है अभी। मैं करेक्शन भी करा रही हूँ। वही हाल हो गया जो एक बार लाइव में दिखाया था ना रोड ब्रू, ये देखिए इसके बिना तो कोई पिक्चर पूरी होती नहीं। लाइफ का कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। ये देखिए वहाँ फिर काले बादल बन रहे हैं और इधर पार्कों के ऊपर ये देखिए। लोगों को ना पता नहीं है, कई लोग को लेडीज ना इतना हंस रही थी गंगा जी का रूप देखो, मैंने कहा ये आखिर रूप बहुत मतलब बड़े खुश होकर दिखा रही थी, जबकि ये सही नहीं है रूप, ये देखो क्या क्या बह के आ रहा है। मैंने सुबह इतने डब्बे इतने बाढ़ हो सकता है बॉडीज़ भी, एक बार मैंने देखी थी हम जब ओमकार नंदा में रुके थे बॉडी बह के आ रही थी मैं और शर्मा जी, मैंने उनको दिखाया मैंने कहा क्योंकि अचानक से आता है ना ये पानी। मैं 2 बजे गई थी, 4 बज गए, मैं भी कहूँ दिया पढ़ने की आवाज़ आ रही है, 4 बजे ट्यूशन थी। ये उत्तराखंड के नैनीताल का है, ये दुकान में पानी घुस गया है और वो निकाल रहे हैं, और पता है कुछ लोग क्या कह रहे हैं मेरे से कि भाभी जी आप ये क्या क्या वो लिखे व्यू बढ़ाने के लिए कि तबाही का मंजर, और ये तबाही ही तो है। अब आप देखिए ना, क्योंकि कह रहे ये तो नॉर्मल होता बारिश में, ये बारिश का सीज़न नहीं है, अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर का लास्ट, वो भी बारिश का सीज़न में लोग अलर्ट रहते हैं, इतना ज़्यादा पहले ही ब्लास्टिंग हो रही है वहाँ पे और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। एक तो बोल रहे हैं कि अभी नहीं आए ऊपर से कुछ लोग, आप ऋषिकेश तक आ सकते हैं, ऋषिकेश के आगे जाने में खतरा है। चाकू लाओ, प्लेट लाओ, अपनी बड़ी वाली लिए अच्छा तभी। ऐसा है, देखा जाएगा अभी, आपदा आ रही है कुछ भी आ रही है, खा पी के मरो है ना भैया। कई लोग कह रहे हैं आप डरा रहे हो, मैंने कहा हम डरा नहीं रहे भाई, सही कह रहे हैं हम। नैनीताल में भी वो हो गया, बादल फट गया अभी 4 घंटे पहले। मेरे आधे फ्रेंड्स तो वहीं पहुंचे हुए हैं नैनीताल, जिनका नुकसान होता है ना उनसे पूछिए, वो वहीं पे घूम, चलो खा लो जो देखा जाएगा जो हो। हर हर गंगे हर हर महादेव, पेड़ जरूर लगाओ भाई, पेड़ जरूर लगाओ। ये ना ये कोई वैसी बारिश नहीं हो रही है सीजन की बारिश, क्योंकि इस टाइम पे नहीं होती बारिश, इस टाइम पे नहीं होती है, थोड़ी बहुत होके रह जाती है फिर ठंड आ जाती है। इस टाइम ठंड हो रही थी, ठंड हो जाती है इतनी, लेकिन ये वाली तो एकदम से जो बारिश आई है ना, और पता है वहां पे केदारनाथ जी में 22 को रेस्क्यू किया गया, 22 लोगों को फंस गए थे बीच में बद्रीनाथ जी में नाले में से आर्मी वालों ने निकाले, बेचारे आर्मी वाले जान पे खेल कर रहे हैं वहां पे, आप लगाओ ना हम तो लोग पहुंच जाते हैं, उनकी जान को कितना रिस्क है आर्मी वालों की। ये देशवाल बेकरी नई ढूंढी है, SBI बैंक के सामने है, और ये देहरादून रोड पे है, देहरादून रोड पे है, बहुत जबरदस्त बहुत टेस्टी है इसका स्वाद। हर हर गंगे हर हर महादेव, माता पिता बच्चों का राइट की फ्यूज हो पूरा ध्यान रख रहे हैं, और बच्चे देखो क्या ये हर वीडियो में बच्चे माता पिता रख रहे हैं, बच्चे भी रख रहे हैं। हर हर गंगे हर हर महादेव, इसको घूमने की लगी है, इसके 10th के पेपर है, इसको बोलो पढ़ाई करें।